अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्लास ज़हरा बुखारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार पोटैटो ट्रायंगल स्नैक्स। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम टाइम में, और बहुत आसान ये रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों की तो ये फेवरेट होने वाली है, बड़े भी इसे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी का आगाज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वीवर्स, के हाल है, ठीक हो? इंशाल्लाह मेरे सारे भैन भाई ठीक हो सन, अल्लाह पाक दे करम नाल असी भी बिल्कुल ठीक हाँ। तो अब जी थोड़े वास्ते बड़ी जबरदस्त रेसिपी लैके आया। अज असी बनसा जी मज़ेदार ट्रायंगल कटलस, बहुत मज़ेदार बनसन इंशाल्लाह। आओ जी वेखदे हां कि किस तरीके नाल बनसन, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो सन जी। तो अद्धा किलो मेरे आलू नो इन्हन में नमक डाल के बॉयल कर लिया। बॉयल करके तो इस छिल के बॉयल करना भी नमक डाल के, ठीक है। फिर इसनों ना इस तरीके नाल ना कांटे की मदद नाल या मैशर नाल जिस नाल भी तुसी करना चाहते हो ना कर लो, इस तरीके नाल इसनों मैश कर लो। तो फिर इसनों फ्रिज रख दो ठंडा करके, फिर तुसी रेसिपी शुरू करनी, ठीक है। फुल ठंडे करने ते मैं मैश कर लैनो। तकरीबन अद्धा किलो मेरे आलू, डेढ़ चम्मच खाने वाली गाजर ये डाल देने, दो चम्मच शिमला मिर्च बरीक कटी हुई, एक हरी मिर्च है बिल्कुल छोटे साइज दी। बच्चों वास्ते बना रहे हो तो ये बिल्कुल स्किप कर दियो, तो शाम दी चाय वास्ते और बच्चों वास्ते बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार हो सन, जरूर ट्राई करिया। तो मुट्ठी भर धनिया, धनिया इस भी बहुत ही मज़ेदार लगता। एक चम्मच चाय वाली काली मिर्च का पाउडर है, एक चम्मच है चाय वाली भुना कुट्टा जीरा, सफेद जीरे थोड़ा जहा रोस्ट कर लो तो डाल दो पीस के। ऑरगैनो एक चाय वाली चम्मच, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती, इस तरह लगता जिस तरह तुसी पिज़्ज़ा खा रहे हो। चम्मच तिखी मिर्च चाय वाली, तो ये तुसी अपने टेस्ट के मुताबिक फुल चम्मच भी ला सकते हो। ये चीज़ा तुसी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लो, तो कोई ज़्यादा खाँदा कोई कम खाँदा तो तुसी अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर लो। एक चम्मच नमक, नमक भी अपने जायके के हिसाब नाल तुसी एडजस्ट किया करो। पहले मैं रेसिपी बनाई है, वो मेरी चीज़ बच गई आई तो फिर मैं डब्बे डाल के ना तो रख दी आई फ्रीजर चो, तो ये वाली जी चीज़ है इसके अंदर डाल देने, इस तो भी जायका मज़ेदार जी चीज़ नू पसंद कर दे और ताकत वाली भी आँगी, बच्चों वास्ते जरूर थोड़ी डाली करो। इस मिक्स कर लेने अच्छे तरीके नाल जी। तो तीन चम्मच इसके अंदर डाल देने कॉर्नफ्लावर इसकी बैंडिंग वास्ते, ठीक हो गया। तो इस तरह का डब्बा होता हर शॉप तो मिल जाता बड़ा आसानी नाल, सारिया चीज़ां मिक्स करके तो तुसी इस स्टेज पर अपनी नमक मिर्च जितनी तुसी खाते हो ना उस टेस्ट के मुताबिक वो तुसी डाल सकते हो। अच्छे तरीके नाल मिक्स हो गया तो इसके दो बाउल बना लैने इस तरीके नाल। नीचे थोड़ा जहा आयल ला लिया है कुकिंग आयल ताकि अच्छे तरीके नाल ये बन जाए। कढ़ाई में इसनों असी जिस तरीके नाल ना बेल लिया इस तरीके नाल, तो फिर इसनों थोड़ा चैड़ा कर लेना। हुण असी इसकी कटिंग कर सां, छोटे छोटे तो इसनों इस तरह इसनों शेप देनी, ट्रायंगल शेप इसनों असी देनी इस तरीके ना, माशाल्लाह इस तरीके नाल असी दूसरा भी बना लसा। इस तरीके नाल ना बड़ा आसानी नाल बन जाते इसकी शेप दे दो। रोल कर लो ना, रोल करके फिर इस तरीके नाल ना तुसी कॉर्नफ्लावर जड़ा ना ला के उसका प्यारा जहा ट्रायंगल बना लो इस तरीके ना, के नाल ना ताके चिपके ने लंबा जहा, तो इस तरीके नाल नगर चार बनाए खाने वाले
दो चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरीके नाल ना इतनी गाढ़ी तुसी सलरी बना लेनी इस तरीके नाल, ठीक है। इसे इस तरह डिप करके इस तरीके नाल इस तोते कोट कर दिया मैना। ये बड़े मज़ेदार बन गए, सही क्रिस्पी। इस तरीके ना रख लिया मैंने तैयार करके, सारे इसे तरीके नाल ना इसी तैयार कर लेने। बिल्कुल स्लो आंच ते करया, नहीं तो सवैया जड़ियां नो जल्दी जल लेनी है। ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣੀਆਂ। ਪਲਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਵੰਜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। इस दे विच चीज़ है ना, चीज़ की वजह तो ऐ बड़े मज़ेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके नाल बकाया भी असी सारे तैयार कर लेना जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह पटाटो ट्राइंगल बन के तैयार हो गए, तो बहुत ही मज़े दे तैयार होए। तो तुसी ए शाम दी चाय नाल बच्चन लंच भी दो बना के रख लवो। ये 15 दिन तो खराब नहीं होंगे, तो तुसी स्टोर भी कर सकते हो फ्रीजर विच, तो इसनू चेक भी कर लैने ताकि असी चीज़ डाली ते उस तो भी कोई इसके अंदर कोई मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे बने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने मज़ेदार बने। ते हरी चटनी दे नाल असीं इसनू खसा तो बहुत ही मज़े लग सन, ठीक है। तो इस दे नाल जी असीं चाहते हैं इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रख्या है, दुआवां याद रख्या है, लाइक शेयर जरूर करिया है, ते अगर चैनल ते न्यू हो तो सबसक्राइब कर लो। थोड़ा बेहद शुक्रिया, ते इस दे नाल इजाज़त दियो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती है एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक आसानी पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।